नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खेल जगत की टॉप 5 खबरों से। आईपीएल में शानदार फॉर्म में चल रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आज दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मुकाबला होगा, लेकिन दिल्ली के लिए सनराइजर्स हैदराबाद से पार पाना आसान नहीं होगा। इस जीत के लिए दोनों टीमें जमकर मेहनत कर रही हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद शानदार फॉर्म में है, जिसने 10 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक बना लिए हैं और दिल्ली 9 मैचों में 10 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। लगातार 2 हार के बाद जीत की राह पर लौटने को बेताब दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल के मैच में कड़ी चुनौती होगी। सनराइजर्स दिल्ली को हराकर शीर्ष पर अपनी जगह और पुख्ता करना चाहेगी। आईपीएल में सत्र से पहले प्रभावित नहीं कर सके सनराइजर्स ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उसके बल्लेबाजों तथा गेंदबाजों ने एक इकाई के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर फॉर्म में है और एक से ज्यादा बार अकेले दम पर पूरी टीम को जीत दिला चुके हैं। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी अच्छे फॉर्म में हैं। दिल्ली के पास भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। दिल्ली को जहीर से शुरुआती सफलताओं की उम्मीद होगी। युवा सैमसन और ऋषभ पंत को भी बल्ले के जौहर दिखाने होंगे। दिल्ली ने कुछ मैचों में कुछ अहम खिलाड़ियों को आराम दिया था और अब देखना ये है कि आज के मैच में उनकी वापसी होती है या नहीं। आईपीएल के 9वें सीजन में कोहली की टीम बेंगलोर पर मुंबई इंडियंस ने विराट जीत हासिल की है। मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 6 विकेट से शानदार शिकस्त दी है। इस जीत में पोलार्ड और जोश बटलर नाबाद रन बनाकर जीत के हीरो रहे। इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण में बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए लीग के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी टीम के द्वारा 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 18.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। किरण पोलार्ड ने 19 गेंदों में 35 रन और जोश बटलर ने 11 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर लौटे और टीम के कप्तान रोहित शर्मा 25 रन बनाकर आउट हो गए और वही विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया। इससे पहले टॉस हारकर पहले खेलने के लिए उतरी बेंगलोर ने मुंबई को 152 रनों का लक्ष्य दिया। आरसीबी ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 151 रन ही बनाए हैं। आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान कोहली दूसरे ओवर में ही 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली टीम इंडिया के खिलाड़ी के सामने फीके नजर आए। विराट के साथ साथ आरसीबी टीम के बल्लेबाज का प्रदर्शन भी फीका रहा। इसी के साथ आरसीबी टीम के गेंदबाजों की बात करें तो बटलर और पोलार्ड के सामने वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और इस तरह आरसीबी टीम अपने लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के धुआंधार बल्लेबाज और टेस्ट इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर फिदा हो गए हैं। सहवाग ने विराट को क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बताया है और क्या कहा कोहली के बारे में दिखाते हैं आपको। एशिया कप और विश्व T20 में धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली का हर इंसान कायर हो चुका है। T20 मैचों में विराट कोहली ने 13 मैचों में 625 रन बनाए हैं। इसी वजह से विराट को वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं। सहवाग ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वाकई कोहली का कोहराम है, लेकिन जब बात फटाफट क्रिकेट खासकर आईपीएल की हो तो वहां कोहली वाकई विराट हो जाते हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सहवाग ने कहा, कई बल्लेबाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में कोहली सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। एबी ड्विलियर्स है, डेविड वार्नर भी है, लेकिन जिस तरीके से कोहली खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, T20 में 2 शतक उनके नाम है, मुझे लगता है इस वक्त वो सबसे खतरनाक बल्लेबाज है।
वीरेंद्र सहवाग यही नहीं रुके, उन्होंने विराट की खूब तारीफ की, लेकिन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से विराट की तुलना को गलत ठहराया दिया। कहा कि विराट की तुलना सचिन से नहीं की जा सकती, लोग तो मेरी भी तुलना करते थे। कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र सहवाग ने विराट के बल्लेबाजी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि विराट के रिकॉर्ड सचिन के रिकॉर्ड को मात दे रहे हैं। हालांकि वीरू मानते हैं दोनों क्रिकेटरों के बीच तुलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा दो क्रिकेटरों की तुलना नहीं करनी चाहिए, लोग मेरी तुलना तेंदुलकर विवियन रिचर्ड से करते थे, लेकिन वो वक्त अलग था। मुझे लगता है हमें सचिन और कोहली की तुलना नहीं करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना करने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि विराट की तुलना सचिन से नहीं की जा सकती, ये अनफेयर होगा। बता दें कि विराट सुपर फॉर्म में है, इसके कारण कई हस्तियां उनकी तुलना सचिन से कर रही हैं। इस बार आईपीएल में भी कोहली धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुंबई में एक प्रोग्राम के लिए पहुंचे सहवाग ने कहा कि कभी मेरी भी ऐसे महान खिलाड़ियों के साथ तुलना हुआ करती थी। कहा किसी भी शख्स को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी लोग मुझे सचिन तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स के साथ कंपेयर करते थे, जो कि गलत है। सहवाग ने कहा कि युग एक जैसा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कोहली और तेंदुलकर की तुलना की जा सकती है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में पंजाब पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान सरदार पर लगे आरोप गलत साबित हुए हैं। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर 3 महीने पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। सरदार पर 3 महीने पहले ब्रिटेन की एक महिला अशपाल कौर भोगल ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन पंजाब की लुधियाना पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान सरदार पर लगे आरोप गलत साबित हुए और उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। लुधियाना पुलिस आयुक्त की ओर से बनाए विशेष जांच दल ने बताया कि लड़की द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह गलत है। भारतीय हॉकी कप्तान सरदार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उन्हीं की मंगेतर है, जो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकी है। उन्होंने लुधियाना पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने सरदार के खिलाफ हरियाणा पुलिस से शिकायत करने को कहा था, लेकिन पुलिस ने जब सरदार के ऊपर सारे आरोप निराधार बताए तो इसी बीच महिला ने पुलिस को भी निशाने पर लिया और कहा कि वो सरदार को बचाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ब्रिटिश महिला हॉकी खिलाड़ी ने सरदार सिंह पर रेप का आरोप लगाया था, जो अब पुलिस के अनुसार बेबुनियाद है और सरदार सिंह को पंजाब पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। फिलहाल खेल जगत में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।